हेलो फ्रेंड, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है कंप्यूटर हार्डवेयर की, तो ये उसमें हमारा टॉपिक होगा। तो इस टॉपिक में जो आज हम लोग पढ़ेंगे वो हमारा फर्स्ट चैप्टर ही होगा कि इट इज़ द फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहले आता है व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है। तो देखिए, इट इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच टेक इनपुट, प्रोसेस इट ऑन बेसिस ऑफ सम इंस्ट्रक्शंस एंड गिव आउटपुट। देखिए, सबसे पहले तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि इनपुट लेकर उसे प्रोसेस करके कुछ इंस्ट्रक्शंस के आधार पर और हमें आउटपुट देता है। देखिए, फॉर एग्जाम्पल कि कीबोर्ड से आपने टाइप किया 1+1, ठीक है, और जी आपने एंटर किया तो ये चीज़ आपके सीपीयू के अंदर गई, क्योंकि ये अभी आपका एक इंस्ट्रक्शंस हो जाएंगे। ये सीपीयू के अंदर गया और ये कुछ नियमों के आधार पर प्रोसेस होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये जब प्रोसेस हुआ तो आंसर आपके सामने, आपका जो आउटपुट था वो आया 2, ठीक है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इनपुट लेकर प्रोसेस करके हमें आउटपुट देती है, ओके जी। अब इस डेफिनेशन में एक शब्द आया है इलेक्ट्रॉनिक, ये वाला शब्द। अब आखिर इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करना होगा करंट, जिसको हिंदी में हम लोग विद्युत, बिजली भी कहते हैं। करंट होता क्या है, इट इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के बहाव को हम करंट कहते हैं, ओके। अब करंट हमारे दो टाइप का होता है, एक होता है एसी और एक होता है डीसी। एसी जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिव करंट, और डीसी का होता है डायरेक्ट करंट। अच्छा, जो करंट ट्रांसफार्मर से हमारे घर तक आता है वो होता है एसी। एसी का अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, यह एक साइकिल होती है। एसी करंट अगर आपको पकड़ता है तो वो इस पॉइंट से आपको पकड़ेगा और इस पॉइंट तक आपको, और इस पॉइंट पर आते ही झटके के साथ एकदम आपको छोड़ता है इस पॉइंट पे आने के बाद, ठीक है। और जो डीसी करंट होता है ये हमें बैटरी के बाद मिलता है, ये सिंपली ऐसा होता है, ठीक है। ये अगर पकड़ता है तो ये आपको जल्दी नहीं छोड़ता है, ठीक है। तो ये हमारा अंतर होता है। एसी की अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो जी आपका पंखा हो गया, और ये जो डीसी होती है ये आपकी टीवी हो गई, आपका फ़ोन हो गया, आपका लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये सब एग्जांपल होते हैं डीसी में। अब जो डिवाइसेस एसी पर चलती हैं वो होती हैं इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, और जो डीसी पर चलती हैं वो होती हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ओके। तो ये जो कंप्यूटर है ये हमारा डीसी पर चलता है, इसलिए हमने इसे इलेक्ट्रॉनिक कहा, ठीक है। अब अगला जो है वो है कंप्यूटर, एक शब्द के साथ साथ हर एक का अपना एक फुल फॉर्म भी होता है। सी फॉर कॉमनली, ओ फॉर ऑपरेटेड, एम फॉर मशीन, पी फॉर पर्टिकुलरली, यू फॉर यूज फॉर, टी फॉर ट्रेनिंग, ई फॉर एजुकेशन एंड आर फॉर रिसर्च, ओके। आफ्टर दैट आते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पे। सबसे पहले मैं स्टार्ट होता हूँ फोर्थ नंबर से। ये जो फोर्थ नंबर है माइक्रो कंप्यूटर, इसमें आते हैं आपके लैपटॉप और आपके डेस्कटॉप, ठीक है। वो आते हैं माइक्रो पर, जिसमें हमारा नॉर्मल काम होता है। फिर अगले पे आते हैं मिनी कंप्यूटर पे, जो हमारे स्मॉल ऑफिसेज होते हैं और जो उनके अंदर छोटे से सर्वर होते हैं, मतलब कि जो ईज़िली आपके 20 से 30 तक कंप्यूटर को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, वो होते हैं मिनी कंप्यूटर।
तो इनका काम हमारा स्मॉल ऑफिसेस में होता है। जो ऑफिसेस हमारे काफ़ी बड़े होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई आपकी MNC है तो उसमें काम होता है सर्वर्स का, वो होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो ये तो गाइज इसका काम होता है बिग सर्वर्स बनाने में, बिग सर्वर्स, ठीक है। अगला होता है सुपर कंप्यूटर, इनका काम होता है जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपका अकाउंट होगा FB पर, इट मीन फेसबुक पर आपका अकाउंट होगा, आपने बहुत कुछ अपलोड किया होगा तो वो सब आपका सेव होता है। तो यहाँ पर जो बात आती है कि जब आपका डेटा बहुत सारा है तो वो सेव होता है सुपर कंप्यूटर में। इनका काम होता है बहुत बहुत बड़े जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके सर्वर्स में काम में आता है, ठीक है। तो ये हमारे चार टाइप के होते हैं, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, मिनी एंड माइक्रो, ओके। आफ्टर दैट आते हैं लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर पे। उससे पहले हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि जो हम लोग लैंग्वेज बोलते हैं, तो फिर आपका आंसर होगा कि सर हम तो बोलते हैं हिंदी। तो क्या अगर हम लोग प्योर हिंदी बोलते हैं तो कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? ओके, इसको हिंदी में कहते हैं संगणक। ऐसे ही ट्रेन जो होती है उसको हिंदी में कहते हैं लौहपथ गामनी, और आपके स्टेशन को भग भग अड्डा, और जो हमारे शर्ट पे बटन होती हैं वो होती है अस्त व्यस्त वस्त्र बंदिका। तो क्या हम लोग प्योर हिंदी बोलते हैं? नो। तो क्या हम लोग इंग्लिश प्योर बोलते हैं? नो। तो हम लोग बोलते हैं हिंग्लिश, इट मीन आधी हिंदी और आधी इंग्लिश, है ना जी। ऐसे ही जो हमारी लैंग्वेज होती है वो होती है इंग्लिश, वैसे ही कंप्यूटर की होती है बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है। अब जो हिंदी होती है, हिंदी में हमारे 48 वर्णमालाएं होती हैं, वर्णमाला, ठीक है, और इसमें 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। ऐसे ही इसकी इस लैंग्वेज में सिर्फ ओनली दो ही शब्द होते हैं, एक होता है ज़ीरो और एक होता है वन। जिस प्रकार से हमने इसको कहा वर्णमाला और इसको कहा अल्फ़ाबेट, वैसे ही हमने इनको कहा बिट, ठीक है। तो गाइज इट इज़ कॉल्ड बिट, ओके। तो कंप्यूटर कोई भी चीज़ को हमेशा अपनी लैंग्वेज में चेंज करके ही प्रोसेस करता है, ओके। अब अगला आता है यूनिट्स ऑफ डेटा। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी शॉप पर गए और शॉप पर आपने परचेज़ किया शुगर, तो दुकानदार आपसे पूछता है कि आपको शुगर ग्राम में चाहिए कि किलोग्राम में चाहिए कि आपको कुंटल, टन और ऑटोमोबाइल से ऊपर होता है। तो मतलब कि सॉलिड को हम ऐसे नापते हैं, ऐसे ही जो चीज़ हमारी लिक्विड में होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि जी आपका ऑयल है, तो वो ऑयल हमारा लीटर्स में और भी उससे हमारा मेज़र होता है। ऐसे ही कंप्यूटर के अंदर कितना डेटा है वो कैसे मेज़र होगा? तो गाइस ये इसके हिसाब से मेज़र होता है ये चीज़। आपने कहा कि आपकी पेन ड्राइव 8 GB की है, GB स्टैंड फॉर गीगाबाइट, तब उस केस में इसका मतलब होता है कि कितना डेटा उसके अंदर सेव हो पाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया कि यूनिट्स ऑफ डेटा आज तक कितने आ रखे हैं, ये देखिए किलोबाइट। अच्छा एक चीज़ और, किसी किताब में और किसी एग्ज़ाम में अगर स्मॉल बी होता है तो इट इंडिकेट बिट, और अगर कैप्स में बी होता है इट इंडिकेट बाइट्स, ओके। तो ये आपका अंतर होता है। तो देखिए यहाँ पर पूरा ये है और आज तक हमारा काम हुआ है जियो बाइट तक, ओके। तो ये अगर आपको इस कोर्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ओके। एंड गाइज थैंक यू सो मच, ये फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने अपना कंप्लीट किया है। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉच दिस वीडियो।